हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गया है, चाहे वो किसी भी नाम की थर्ड पार्टी हो, एज एन एक रोमांटिक पर्सन हो वो, चाहे पहले के पर्सन की जिंदगी में आया या आई या बाद में आया, पेरेंट्स हो, मतलब कोई भी, कोई एक्स पर्सन जो आप दोनों के बीच में आया है, अब करंट में उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों की एक दूसरे को लेकर क्या सोच बनी हुई है, दोनों के बीच के हालात क्या हैं, करंट में क्या चल रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से क्या होता आ रहा है, ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ। व्यूअर्स, बस आपको ये याद रखना होगा, देखिए अगर आपको पता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है और वो कौन है, आप तभी ये रीडिंग देखेंगे। डाउट के बेस पर थर्ड पार्टी की रीडिंग मैं चैनल पर नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आपको ये ज़रूर से कहूँगी, ठीक है। रीडिंग जो भी होगी व्यूअर्स, वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को जबरदस्ती फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि ये जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं, ठीक है। फोकस बस और बस आप इस रीडिंग के दौरान अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा व्यूअर्स। तो चलिए देखते हैं करंट की सिचुएशंस, देखते हैं। सबसे पहले गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के करंट के हालात क्या हैं, दोनों के बीच में करंट में क्या चल रहा है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के करंट के बीच करंट में क्या सिचुएशंस हैं। शेडो, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ट्रिम्फ, चूज वाइजली एंड बॉटम है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट में क्या सिचुएशंस हैं, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट में क्या सिचुएशन है, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए शेयरिंग, इनोसेंस, पॉसिबिलिटीज, मैच्योरिटी, रिपनेस। ओके, तो सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ व्यूअर्स, ये जो भी आपको राशियां बताई जाएंगी ये आपके पर्सन या उस थर्ड पार्टी की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे आपका हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, उसके अलग ही आपका कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पे आपका व्यूअर्स पाइसिस मुझे अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये राशियाँ यहाँ पर हैं। नंबर्स अगर डिस्कस करे जाएं तो यहाँ पे आपके लिए हो गया 18, 3, 7, 8, 2 एंड 9, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से या थर्ड पार्टी की वजह से आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। मंथ वाइज अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हो गया मार्च, जुलाई, अगस्त, फरवरी और आपका सितंबर। जैसे ये थर्ड पार्टी का बर्थ मंथ हो, आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन की जो ज़िंदगी में आई वो इसी मंथ में आई है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पर ये मंथ को यहाँ पर लेकर चलना होगा। ज़बरदस्ती आपको अपने आप को इन नंबर से, इन मंथ से रिलेट नहीं करना है व्यूअर्स। और उसके अलग एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आज ये नंबर्स, ये मंथ जो भी है ना, आपको उस वे में अपने आप से रिलेट करने हैं जिसमें थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस
हो एज एन इस वे में कि ये आपकी ज़िंदगी में आई और इस रीज़न की वजह से आप सेपरेट हुए, ये आपकी ज़िंदगी में आई और इस वजह से प्रॉब्लम्स आई, तो ऐसे करके आपको यहाँ पर ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि हाँ आप लोगों के केस में एक थर्ड पार्टी ज़रूर से है और एक वक्त यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में ऐसा ज़रूर से आया जब आपके पर्सन ने जो बातें इन्हें आपसे डिस्कस करनी चाहिए थी, आपको बतानी चाहिए थी, वो चीज़ें इन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ बांटी, इसके साथ शेयर करी, क्योंकि इनके लिए एक वक्त पे ये इनकी प्रायोरिटी बन गई थी। कोई भी हो सकती है यहाँ पे थर्ड पार्टी, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई महिला भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो भी है ये यहाँ पर है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के सामने अपना एक रुतबा लेकर चल रही हैं या चल रहे हैं। एज एन इन्होंने अपनी एक वो छवि आपके पर्सन के सामने बना रखी है कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, ये इनकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं या कर सकते हैं। जिस भी प्रॉब्लम में ये फंसते हैं, फंसे आपके पर्सन, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर इन्हें कोई बाहर निकाल सकता है तो वो ये निकाल सकती हैं या निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि अभी भी कुछ ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं कि आपके पर्सन जो भी अपने तन मन की परेशानी जो भी है ना वो इससे शेयर कर रहे हैं। ये जिन चीज़ों का कन्फ्रंट आपके सामने आप आकर नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर मन में इनके घबराहट है, डर है, परेशानी है, स्ट्रेस है, ये सभी चीज़ें ये उस थर्ड पार्टी के सामने आकर बोल रहे हैं। इवन जो इनका एक गिल्ट, इनका जो स्ट्रेस है ना, वो भी आपके पर्सन के थ्रू इस थर्ड पार्टी के सामने आकर बांटा जा रहा है उस वे में, ताकि ये थर्ड पार्टी से अपने दिल की बातें शेयर करेंगे तो ये उस डार्क साइड से अपने बाहर निकल जाएंगे या एक उस गिल्ट से ही बाहर निकल जाएंगे। थर्ड पार्टी आपके पर्सन ने जो भी आपकी ज़िंदगी में करा है ना, उन सभी चीज़ों को लेकर अपना इनके सामने यही परसेप्शन रख रही है कि इनकी कोई गलती नहीं है, ये मासूम है, ये इनोसेंस है, जो आपके पर्सन को अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उकसा रहा है। मतलब जो आपके पर्सन इतनी फीलिंग्स रखने के बावजूद भी आ नहीं रहे या अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न यही है कि इन्होंने अपनी विल पावर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है और उसमें पूरा का पूरा जो सपोर्ट, पूरा का पूरा जो साथ है वो थर्ड पार्टी के थ्रू है। उस वे में कि ये आपके पर्सन को यही चीज़ें समझा रही है अपनी साइड से कि ये मासूम है, इनकी कोई गलती नहीं है, और अगर जब इनकी कोई गलती नहीं है तो ये क्यों पहल करेंगे, क्यों आगे से बढ़ेंगे, यहाँ पे तो आपको बढ़ना चाहिए, यहाँ तो आपको एफर्ट्स करने चाहिए, तो कुछ इस तरह से भड़काया जा रहा है, इस तरह से मिसगाइड इस थर्ड पार्टी के थ्रू आपके पर्सन को करा जा रहा है। यहाँ पर ऐसे भी मैं चांसेस देख पा रही हूँ जब जब ये आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं या आपके तरफ बढ़ने की इच्छा, वो मेहनत करने की इच्छा इनके दिल में डेवलप हो रही है, तो ये थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन के सामने उन सभी पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह से खत्म कर रही है उस वे में कि इन्हें ना इतना ज्यादा उस पल में कंफ्यूज्ड करा जा रहा है कि आपके पर्सन उस वक्त में इसी चीज को लेकर भटक जाते हैं कि इनकी किस चीज में मैच्योरिटी है और किस चीज में नहीं है, मतलब इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, उन सभी चीजों को लेकर इन ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पूरी तरह से दुविधा में, पूरी तरह से क्रॉस रोड पर लाकर खड़ी कर देती है, क्योंकि इसने अपनी एक ऐसी पहचान आपके पर्सन के सामने बना रखी है, ये काफ़ी मैच्योर है और ये जो भी आपके पर्सन के लिए डिसीज़न ले रही है, लेती आई है या लेगी, वो बहुत सोच समझ कर लेगी, ऐसे ही अंधेरे में तीर मारने बराबर ये कोई फैसला नहीं लेगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है एज एन की थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी परछाई की तरह इस्तेमाल कर रही है या आपके पर्सन उसकी परछाई बने पड़े हैं, ये यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वो सब्र का घूंट पिलाकर रख रखा है कि इनकी जिंदगी में ये
एक ना एक दिन जरूर से पॉजिटिविटी लेकर आएगी। ये इसका जिम्मा है, ये इसकी जिम्मेदारी है। ये किसी भी तरह का टेंशन ना ले, किसी भी तरह का स्ट्रेस ना ले, ये इसकी जिम्मेदारी है कि ये आपके पर्सन की जिंदगी में सभी चीजें पॉजिटिव वे में, सुकून जो है, मेहनत जो है वो ये करेगी। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज है कि जहाँ पर आपके पर्सन को आगे से आकर चीजें सही करनी चाहिए, आगे से आकर जहाँ पर इन्हें डील करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें सिर्फ थर्ड पार्टी दिखाई दे रही होगी। रीज़न इसीलिए है क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर उसकी परछाई बने पड़े हैं, या उसके पीछे छुपे पड़े हैं, या उसके पीछे छुपना चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन को अपने जैसा बनाने में लगी पड़ी है, क्योंकि उसे ये है कि भाई सारी जो भी कमांड है आपके पर्सन की जिंदगी के जो भी फैसले हैं वो ले। ऐसा कुछ यहाँ पर सिचुएशन बीते दिनों से और अब भी होती आ रही है, करंट में भी कुछ यही चीज़ें चल रही हैं, ऐसा यहाँ पे है। यहाँ पे ना मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने बेसिकली आपके पर्सन के सामने बहुत सारे ऑप्शंस भी रख रखे हैं, इनके माइंड को आपसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या इन्हें पूरी तरह से कंफ्यूज्ड करने के लिए। बीते पलों को जो भी आप लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी फैली है उन्हें भी बार बार यहाँ पर कुरेदा जा रहा है, ताकि आपके पर्सन यहाँ पे आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज ढूंढने ना शुरू कर दे, या इस रिश्ते में पॉजिटिविटी इन्हें दिखाई ना दी जाए। तो कुछ ऐसा यहाँ पे चल रहा है, कड़वा सच ज़रूर है लेकिन चीज़ें अभी करंट में यही हो रही हैं और बीते कुछ दिनों से कुछ यही होती आ रही हैं, ठीक है। और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट की सिचुएशंस के बारे में बताइए, दोनों के बीच में अब करंट में क्या हो रहा है, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्ट, सॉरी हर्मिट एंड किंग ऑफ वैंड्स। देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी इस वक्त में डिसीजंस ले रही है, जो भी यहाँ पर आपके पर्सन की बॉस बनी हुई है ना, वो पूरे दिमाग से कर रही है। आपके पर्सन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके पैट बनकर रह गए हैं। आपके पर्सन के अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो जिगरा है, वो हुनर है, वो एबिलिटी है जिससे आपको प्यार हुआ या जो कभी एक वक्त पे आपने देखी, लेकिन थर्ड पार्टी इस वक्त में उन सभी पावर्स को, उन सभी एबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं अपनी किसी ना किसी तरह की जंजीरों में बांध कर खड़ी हुई है, ठीक है। रीज़न यहाँ पर है कि आपके पर्सन और आप दोनों के संगम से, साथ से थर्ड पार्टी को सबसे ज़्यादा खुंदस है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर जलेसी खाई पड़ी है, जिसके चलते ये आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है। आप थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं आए, या थर्ड पार्टी की बातों में आप नहीं आए, या आप कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को आने नहीं देना चाह रहे थे, इसी रीज़न की वजह से इस वक्त में आप थर्ड पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। ये चीज़ें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और वही दुश्मनी थर्ड पार्टी के थ्रू उतारी जा रही है। भले यहाँ पे ये आपके जो भी पर्सन है इस थर्ड पार्टी के कोई भी क्यों ना लगते हो, लेकिन इस वक्त पे जो मेन दुश्मनी है वो आप से निकाली जा रही है, थर्ड पार्टी के माध्यम से आपके पर्सन को बांध कर इनके कंधे पर बंदूक रखकर। यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के दिल में डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं कि जो कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें बांट रहे हैं वो सही है या नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी आपके इस पर्सन के कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के मुझे ना मल्टीटास्क करने के चांसेस दिख रहे हैं, एज एन वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करते चल रही है, जिसमें आपसे दुश्मनी भी निभाई जा रही है और आपके पर्सन को अपने फेवर में या अपनी बातों में लिया भी जा रहा है, बिल्कुल अपने जैसा बनाने की कोशिश भी करी जा रही है। तो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क यहाँ पर खेला जा रहा है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को मेंटली तौर पर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दिया कि यहाँ पर इन्हें वेट करना चाहिए, चीज़ें अपने आप से हो इनके लिए यही बेहतर है,
आपके डिसीजंस कहीं ना कहीं इतने मैटर नहीं करते जितने इस वक्त में आपके पर्सन के या थर्ड पार्टी के डिसीजंस मैटर करते हैं। एज एन यहाँ पे अगर आपके सामने कोई बात रखी गई है, कोई कंडीशन रखी गई है, तो इस वक्त में वो ज़्यादा प्रायोरिटी है, ना कि आप या ये रिश्ता। यहाँ पर ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ व्यूअर्स, कि आपके पर्सन जो भी आपसे पीठ रख रहे हैं, आपको पीठ दिखा रहे हैं, या अपने आप को या अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करे बैठे हैं, उसके जस्ट पीछे की वजह ये है कि इन्होंने अपने जो भी फैसले हैं जिंदगी के, लाइफ के, रिश्ते के, वो थर्ड पार्टी के हाथों में सौंप रखे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ब्रेन को इस तरह से यहाँ पर प्रिपेयर कर रखा है, तैयार कर रखा है कि इनकी कोई गलती नहीं तो ये क्यों जाकर आगे से बात करेंगे या ये क्यों शुरुआत करेंगे। हालांकि देखो, आपके पर्सन के दिल में ना आपके तरफ बढ़ने की इच्छा जाग रही है, जो हम लोग डिस्कस करते भी हैं इनकी करंट एनर्जीज में, सुबह की रीडिंग में भी हमने डिस्कस करा, और वही चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर इस रिश्ते से जुड़ी हुई एक अलग तरह की जिम्मेदारी डालती है, एक अलग तरह का बर्डन, एक अलग तरह का स्ट्रेस इनके ऊपर लदता जरूर से है, लेकिन वहाँ पे ना ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को उस स्ट्रेस से बाहर निकाल देती है, या कहीं ना कहीं वो इन्हें इतना डाइवर्ट कर देती है कि जो स्ट्रेस, जो एफर्ट्स इन्हें आपके साथ के रिश्ते में करने चाहिए, वो सभी चीज़ें ये अपने आप में रख लेते हैं, या उन्हें बस ये सोचते रह जाते हैं, अकेले बैठकर बस उस पर गहन सोच ही रख पाते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है व्यूअर्स, कि इन लोगों के बीच में ना चीज़ें भले इमोशनली वे में नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि भाई इमोशनली वे में यहाँ पर एक दूसरे के करीब है या नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं इस पर्सन के, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इमोशनली वे में कुछ भी चीज़ें ना सोचने समझने का वक्त ही नहीं दे रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर करंट में सिचुएशन चल रही है। कड़वा सच ज़रूर है, लेकिन जो सच है मेरा वो बताना इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो अब ये देख लेते हैं कि इन सभी सिचुएशन में थर्ड पार्टी आपको लेकर क्या सोच रही है, आपके पर्सन के साथ क्या कर रही है या क्या सिचुएशन चल रही है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब यहाँ पर ये देखते हैं इन सब हालातों में इतनी कड़वाहट, इतना जहर भरने के बाद क्या आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं या नहीं, और किस तरह से और क्या, वो चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, द हाई प्रीस्ट गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर इस सिचुएशंस के बाद क्या सोचना है, क्या महसूस करना है। द फूल, फाइव ऑफ वैंड्स, एम्परर एंड बॉटम है आपका फोर ऑफ कप। देखिए, मैं यहाँ पे आपसे यही चीज़ें बता रही थी, जब जब आपके पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा रखते हैं या इससे, इस थर्ड पार्टी से ये चीज़ें शेयर करते हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, इन्हें एक नई शुरुआत करनी है, आपने जो भी इन्हें ऑफर्स दिए हैं उन ऑफर्स को स्वीकार करना है या आपकी तरफ एक ऑफर लेकर जाना है, तब तब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देती है, या वो गड़े मुर्दे यहाँ पर उखाड़ना शुरू कर देती है जिसे आपके पर्सन पास्ट समझकर लेट गो करना चाहते हैं, या उस पर मिट्टी डालकर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, एक नया रिस्क के साथ करना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर इस सिचुएशन को पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल वे में देख रही है, और यहाँ पर अगर आपके पर्सन पत्थर बन रहे हैं, पत्थर जैसा बिहेवियर इनका हो रहा है ना, तो उसके पीछे का जस्ट रीज़न ये थर्ड पार्टी है, कि बार बार यहाँ पर आपके पर्सन को पत्थर दिल रखने के लिए बताया जाता है। इवन इस थर्ड पार्टी के थ्रू ना ये चीज़ें, ये जहर भी डाला जाता है कि आप सीक्रेट्स रख रहे हो अब अपने पर्सन से, पहले जितना आप अपने पार्टनर के सामने ओपन थे, चीज़ें क्लियर करते थे या आप इन्हें ऑफर्स देते थे, अब थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये शक का बीज डाल रखा है कि आप जो ऑफर्स इन्हें दे रहे हैं उसके पीछे क्या सच और क्या झूठ है, उसमें क्या मीठा और क्या कड़वा है, उस चीज़ का डाउट भी आपके पर्सन को
अब क्रिएट होने लगा है। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि दिल या नई शुरुआत की इच्छा, एक ऑफर आपकी तरफ भेजने की इच्छा, आपके पर्सन के दिल में इस थर्ड पार्टी की इतनी कड़वाहट भरने के बाद भी यहाँ पर डेवलप ज़रूर से होती है, यानी कि दिल इनका अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है, आपके जो ऑफर्स इनकी तरफ एक वक्त पे आए थे ना, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। सीक्रेटिवली आपके पर्सन ना भले इस थर्ड पार्टी से ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहे कि आपको अभी भी याद करते हैं, इनके इंट्यूशंस आपकी तरफ इन्हें एक नई शुरुआत के लिए या आपकी तरफ एक नए ऑफर को लेकर जाने के लिए बोलती है, ये चीज़ें अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से शेयर नहीं कर रहे। इनके थ्रू बस इतनी चीज़ें शेयर करी जा रही हैं कि जो इन्होंने बीते दिनों में आपके साथ गलत करा, उस गिल्ट से कैसे बाहर निकला जाए, या उस चीज़ में इनकी कितनी गलती थी, कितनी खामियां थी, जिससे आपके पर्सन को थर्ड पार्टी मुक्त कर देती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना व्यूअर्स कि आपको जहां सुकून मिलेगा मेंटली तौर पर, इमोशनली तौर पर, आप वहां ज़्यादा जाओगे, तो ऐसा कुछ यहां पर हो रहा है। देख लेते हैं क्या इन दोनों के बीच में इन फ्यूचर किसी तरह से चीज़ें सामने आएंगी या नहीं। अभी जैसे यहाँ पर तो सच का झूठ, झूठ का सच हो रहा है, क्या यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी, सच सच और झूठ झूठ बनकर सामने आएगा या नहीं आपके पर्सन के सामने। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंट्स गाइड कीजिए। बहुत डिफेंसिव मोड खेल रही है, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ना, बहुत डिफेंसिवली यहाँ पर चीज़ें कर रही है। अपने आप को इसने ना, थर्ड पार्टी ने बहुत पीछे छुपा रखा है, स्पेशली आपके पर्सन के पीछे ही ये छुपी हुई है। गाइड कीजिए, बताइए क्या थर्ड पार्टी से रिलेटेड ये जो सच और झूठ है आपके पर्सन के सामने आएगा या नहीं। प्लीज़ स्प्रिट गाइड कीजिए। सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम है जजमेंट। देखो बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पे ना थर्ड पार्टी तो ऑब्वियसली अपना ये सच सामने नहीं लेकर आएगी, अपने मुंह से भी ये नहीं कहने वाली है। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, ये जो भी चीज़ें होंगी ना, ये होंगी ज़रूर से विद दिस टावर एंड जजमेंट। यहाँ पर एक जजमेंट कॉल होगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थ्रू इन दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट ज़रूर से क्रिएट होगा, जहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी ज़रूर से आएगा, यानी कि यहाँ पर थर्ड पार्टी को उसके कर्मों की सज़ा मिलने के तौर पर यहाँ पर चीज़ें सामने आएंगी कि कैसे आपके पर्सन को यहाँ पर कंफ्यूज्ड करा जा रहा है। चीज़ें इनके सामने थी लेकिन इन्हें एक भ्रम में रखा जा रहा है, क्यों ये आज की डेट में इतने अकेले पड़ गए हैं, स्टक हो गए हैं, थर्ड पार्टी ने अपने आप को डिफेंड करके कैसे यहाँ पर गेम खेला, ये सभी चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली होंगी। लेकिन ये जो भी चीज़ें होंगी एज अ कर्मा, थर्ड पार्टी का एज अ कर्मा यहाँ पर सामने आएंगी, जो वो कर रही है, जिसके बाद थर्ड पार्टी की ज़िंदगी यहाँ पर कुछ इस तरह से होगी, या फिर आपके पर्सन इस स्टेज पर ज़रूर से जाएंगे विद दिस नाइन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि उस डिप्रेशन में, जिस डिप्रेशन से बचने के लिए आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं। लेकिन जो सच है वो सच है, इन्होंने गलत करा है तो वो करा है। तो ये जजमेंट सिर्फ, या ये कर्मा जो है ना, सिर्फ केवल थर्ड पार्टी का है, ये आपके पर्सन का भी कर्मा है, जो सच का सच सामने यहाँ पर बाहर आएगा। ठीक है व्यूअर्स, भले यहाँ पर कितनी भी कोशिशें क्यों ना करी जाएं, मुझे यहाँ पे ना 7 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अधिकतर लोगों के केस में दिख रही है कि 7 वीक्स के बाद यहाँ पर जजमेंट कॉलिंग होगी। यूनिवर्स यहाँ पे ना आपके हक में यहाँ पर वर्क करेंगे। ठीक है, इस थर्ड पार्टी का ये जो काला सफ़ेद है ना, इसका ये जो डार्क साइड है जिसको आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में उतारना चाह रहे हैं, वो सच यहाँ पर डेफिनेटली सामने आएगा, ऐसा यहाँ पर है। अभी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, लेकिन ये पाप का घड़ा है व्यूअर्स, देखो ये भरना है। अभी इस थर्ड पार्टी को नहीं दिख रहा कि ये क्या भरती जा रही है, लेकिन वो भरते ही इसकी ज़िंदगी में चीज़ें उथल पुथल तो होंगी। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि ये कभी होगा या नहीं होगा। और मैं आपके लिए एक बार मेजर अरकाना से और देख लेती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी का कर्मा कब आएगा बाहर। प्लीज़ स्प्रेड गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जजमेंट कॉलिंग कब होगी।
देखिए स्ट्रेंथ एंड बॉटम भी देखिए व्यूअर्स द लवर्स, आप में से अधिकतर लोग तो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी में है, कार्मिक साइकिल है आपके पर्सन की स्पेशली, और आप और आपके पर्सन एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, जिस रीजन की वजह से आप भी उस साइकिल में, कार्मिक साइकिल में आकर फंसे हो। यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड नंबर 7 अगेन आया है, तो आप ये 6 से लेकर 7 हफ्ते मानिएगा, इतने वक्त बाद यहाँ पर ये थर्ड पार्टी का जो भी सच है वो सामने आएगा, ये चीज़ें यहाँ पर अगेन बताई जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर आप लोग अब इस रीडिंग को देखने के बाद कर्मा की रीडिंग देखना चाहते हैं अपने पर्सन और अपने थर्ड पार्टी के रिगार्ड, या इन दोनों में से आपको किसके लिए कर्मा की रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए कर्मा की रीडिंग भी लेकर आऊँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस रीडिंग के बाद आपको किसका कर्मा जानना है, थर्ड पार्टी का या आपके पर्सन का, या आपको सेपरेटली दोनों का कर्मा अलग अलग से जानना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्यूअर्स। ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है और आपने लाइक नहीं करा तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिए व्यूअर्स, ताकि आप लोगों का साथ अगर मुझे मिलेगा तभी मैं आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आऊँगी। ठीक है, तो देखिए जब साथ मिलेगा तभी इंसान जो अगला है वो मोटिवेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पर्सन है, थर्ड पार्टी उन्हें मोटिवेट कर रही है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा तभी वो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वही चीज़ है मोटिवेशंस, चाहे पॉजिटिव वे में मिले, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने में मिले, लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़रूर से होता है। तो ये थी रीडिंग, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिए, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे, ताकि आपसे कोई भी रीडिंग मिस ना हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।